अस्सलाम वालेकुम जी। घर के बाहर बैठे हैं, शाम के तकरीबन हो रहे हैं 7:30, और जो बच्चे हैं वो तकरीबन कोई 8 बजे के बाद सोते हैं, 8:30 आठ के टाइम पे। तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि चेक रिपब्लिक में खाली गर्मियाँ भी आती हैं। आज तकरीबन टम्परेचर जो था वो कोई 37-38 डिग्री था, और किसी भी घर में किसी के पास ना पंखा है ना एसी है। तो ये अभी दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर तकरीबन कोई आधा एक घंटा यहाँ पर ये कलरिंग शलरिंग करते रहेंगे, इसके बाद इनको नहला के सुलाने भेज देंगे। शाम होने वाली है तकरीबन, यहाँ पे सूरज अब ग़ुरूब होने वाला है। तो आपको दिखाता हूँ कि इनकी लैंग्वेज जो है वो आजकल कैसी जा रही है। छोटा जो है वो अभी तकरीबन 1.5 साल का होने वाला है, और जो बड़ा है वो 5 का है। तो जो ये आर्यन है, ये इससे पूछते हैं, आर्यन आर्यन वो लोग पूछ रहे हैं आपसे, आप कौन कौन सी ज़बानें बोलते हो? ये मोबाइल पे, यूट्यूब पे, रोहन आगे नहीं आना है। कौन कौन सी ज़बानें बोलते हो? आपको इंग्लिश, इंग्लिश आती है, अच्छा, और रोहन की अच्छा, आपको आती है टीचर की ज़बान, अन्य की ज़बान, अन्य मतलब मदर की टंग टर्किश, बाबा की उर्दू, इंग्लिश, और कौन सी आती है? और कौन सी ज़बान आती है आपको? अन्य की, बाबा की, और आने के बाबा आने बाबा अच्छा, एक इंग्लिश हाँ, एक टीचर वाली भी आती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं आपसे अगर, रोहन अच्छा आप मुझे बताओ, अब आप कितने साल के हो गए हो? क्या किया उसने? उसने इतने मेरे पैर में मैं वो तो इतने मेरा हाथ में उसने पैर रखा। लेकिन वो तो कह रहा था मैंने नहीं रखा, हाँ पापा रखा था, उफ हुआ था क्या? क्या नहीं यार, झूठी झूठी कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, आप स्कूल जाते हो या नहीं? हाँ हर दिन जाते हो, हाँ अच्छा। और ये बताओ, अब अगले हफ्ते हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इटली। इटली। लेकिन आपको जाने का दिल कर रहा है नहीं? रोहन रोहन रोहन, जाने ये रोहन है, ये अभी बोलते तो नहीं है लेकिन इसे इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी भी है उर्दू की, आपसे बात करते हैं। रोहन रोहन इधर देखो, रोहन रोहन, अच्छा बैठो रोहन, बैठो, हाँ बैठो, हाँ बैठो बैठो अच्छा आ जा मेरे पास आ। रोहन अन्नी कहाँ है? वो देखो ऊपर, ऊपर देखो रोहन, ऊपर देखो, ऊपर देखो रोहन, ऊपर है नहीं, ऊपर है नहीं, देखो देख रही है आपको बालकनी से वो तेनी दूसरी तरफ, वो देखो वो रही। अब बाय बाय कह दो उनको, बाय बाय कह दो, अब बाय बाय कह दो अच्छा अच्छा ये मुझे अपने दांत दिखाओ, आ दांत दिखाओ, अच्छा आ मुंह खोलो, आ हाँ बस ठीक है। अच्छा आ जाओ, अब उठ के आओ, अपना वो पीछे चौक उठा के लाओ, पीछे से चौक उठा के लाओ, वो पड़ा हुआ पीछे, हाँ पीछे उठा के लाओ उसको, जाओ हाँ उठा के लाओ उसको, उठा के लाओ, जाओ उठा के लाओ, आपका है ये, क्या है यहाँ पत्ते हैं, थैंक यू, आ जाओ उठा के लाओ। वो आर्यन ने अपना नाम लिखा हुआ है, अच्छा। तो ये इसके साथ मैं यानी दोनों के साथ उर्दू में बात करता हूँ, फुंदा जो टर्किश में करती है, स्कूल में वो चेक बोलनी पड़ती है उसको, लेकिन पिकिंग उसकी जो है इंग्लिश की अभी भी सबसे ज़्यादा अच्छी है। यूट्यूब वगैरह देखेगा तो वो सारी इंग्लिश में देखता है। तो ओवरऑल हमें डाउट था कि शायद ये सीख ना पाए, लेकिन 30 साल के बाद इम्प्रूवमेंट काफ़ी है। तो किसी दिन टाइम मिला तो आपको मैं इनके साथ लंबा व्लॉग बना के दिखाऊंगा कि आर्यन उर्दू कैसी बोलता है। लेकिन उसको सेंस अच्छी है मुज़क्कर मोनस वगैरह की, अब जो है ना वो सेंस कर लेता है, उसके अलावा कि जुमले कैसे बनाने हैं, और फिर इससे मेरी फैमिली के साथ भी, जो मेरी अम्मी अबू उनके साथ भी आराम से बातें कर सकता है, टर्किश में फुंदा की जो फैमिली है उनके साथ कर सकता है। चेक थोड़ी सी कमज़ोर है अभी भी, लेकिन अपने वो जो क्लास फेलोज हैं उनसे तो करता है, बाकी टीचर से भी करता है, लेकिन चेक इटसेल्फ काफ़ी मुश्किल ज़बान है, वो भी ऐसा ऐसा सीख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा कि इनकी लैंग्वेज किस तरह। कभी टाइम मिला तो आपके साथ एक लंबी डिस्कशन करूँगा। आर्यन बाय बाय तो कह दो यार सबको, बाय बाय किड्स। तो ये भी लिब्रस का आखिरी एंड है यहाँ पर, अब ये 8 बज गए तकरीबन, सूरज इधर ग़ुरूब हो गया, यहाँ पे एक यस्टेड माउंटेन है, यहाँ की सबसे बड़ी पहाड़ी। तो अब ये
ये जो है शहर का बिल्कुल एंड है, इसके बाद जो है जंगल वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो आबादी जो है यहाँ पर वैसे भी काफ़ी कम है, तो शाम के टाइम अभी देखें तो खाली यही दो बच्चे फिर रहे हैं चारों तरफ। चलो जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रोहन बाय बाय कह दो, मुझे मुझे कह दो, मुझे रोहन मुझे मुझे बाय बाय कह दो। हाँ।